वीडियो में हम जानेंगे गति यानी मोशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। परिभाषा के अनुसार कोई वस्तु गति में तभी होती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या आप जानते हैं गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए देखता है। इसका यह मतलब हुआ कि कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति में? इस पर कक्षा में चर्चा करें और अपना जवाब गुरुशाला पर साझा करने के लिए गुरुशाला.co पर जाएं। तब तक के लिए बने रहिए गुरुशाला के साथ।